हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज मुकेश कुमार एंड यू आर वाचिंग डिजिटल साइंस पाठशाला। स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक और बेहतरीन न्यूज़ है जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इस छोटे से वीडियो में। न्यूज़ है कॉलेजेस में, जी हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन को लेकर के। आप सभी ये जानते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, डीयू में और अलग अलग स्टेट में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं, अगर उसमें आपको अंडर ग्रेजुएशन कोर्स प्रोग्राम आपको करना है तो उसके लिए आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ता है। जी हाँ, सीयूटी के एग्जाम के बिहाफ पर ही आपका जो होता है एडमिशन होता है, वो होते हैं इस टाइप के कोर्स के लिए जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन में बड़े काम आते हैं। चलिए देखते हैं क्या है न्यूज और किस प्रकार का न्यूज है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख करके क्लिक किया होगा कि आपका जो सीयूटी का एग्जाम होते हैं वो साल में दो बार होने की बातें चल रही थी, और यूनिवर्सिटीज में भी जो दो बार हैं वो आपके एडमिशन होंगे, ऐसा कुछ न्यूज़ निकल के आया था कुछ दिनों पहले। उसी को अब कंफर्म कर दिया गया है कि भाई हाँ, अब साल में दो बार आपके एडमिशन तो होंगे, लेकिन जो सीयूटी का एग्ज़ाम है वो केवल एक ही बार होगा। जी हाँ, क्या है पूरा न्यूज़, आइए आपको समझाते हैं। और NBT ना, भारत टाइम्स का जो न्यूज है ये आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आइए जानते हैं क्या है न्यूज। तो ये है उस न्यूज का यहां पर पूरा इंफॉर्मेशन। कहता है CUET गुड न्यूज, एक साल तक मान्य रहेगा CUET स्कोर, इसी नंबर पर अगले साल भी एडमिशन होगा। अभी आप सभी बच्चे जानते हैं कि जून के महीने में आपका CUET का एग्जाम होता है, जुलाई अगस्त में काउंसलिंग शुरू हो जाती है और आपके एडमिशन भी हो जाते हैं। आइए जानते क्या है। कहता है CUET का स्कोर एक साल तक वैध रहेगा, यानी कि अब जो आपका एग्जाम होगा वो एक साल तक वैध रहेगा, उसका स्कोर क्या है। देखिए क्या कहता है, यानी अगर आपने CUET एग्जाम 2024 में दिया है तो इस बार मिले CUET मार्क्स 2025 तक वैलिड होंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, 2025 यानी कि अगले साल तक ही आपके मार्क्स वैलिड रहेंगे। कैसे, ये आप पूरी वीडियो को देखिए, पता चल जाएगा। अगर आप UGC यानी कि अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करने जा रहे हैं, यह बोलता है दो बार एडमिशन के नियम के तहत दाखिला लेते हैं तो आप CUET रिजल्ट 2024 के नंबरों पर 2025 में भी एडमिशन ले पाएंगे। ये बिल्कुल और ऑथेंटिक न्यूज है और ये आपके लिए है, ये आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। क्या कहता है, UGC ने एक साल में दो बार एडमिशन की इजाजत देते हुए पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है। आप चाहे तो जाकर के उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो एडमिशन को लेकर के है। जनवरी फरवरी में भी आपका एडमिशन होगा। सुनिए, एक बार जो आपका एडमिशन है वो कब होगा बताओ, हाँ जुलाई अगस्त में होगा। अगर जुलाई अगस्त में कुछ स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले पाते हैं किसी भी रीजन से, हो सकता है कि उसकी तबीयत ठीक ना रहा हो, उसका जो हेल्थ है वो कुछ प्रॉब्लम रहा हो और वो रह गया हो बच्चा। ये कहता है कि CUET PG में और CUET UG, UG मतलब अंडर ग्रेजुएशन और PG मतलब पोस्ट, जो आप लोग MSc करते हैं या MA करते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, ठीक है, PG बोलते हैं, का स्कोर एक वर्ष तक मान्य रहेगा। अभी मई जून में CUET इंट्रेंस जो आपका टेस्ट है वो हो गया था और जुलाई में एडमिशन होते हैं, और यूनिवर्सिटी जो होता है उसको ये परमिशन अब दे दिया गया है कि वो जनवरी फरवरी में भी एडमिशन करना चाहेगी तो कर सकता है। वे मई जून में हुए इंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर दाखिला ले पाएंगे बच्चों को अपने यूनिवर्सिटीज में मई जून के बाद। हाँ, जनवरी फरवरी में आपका एडमिशन हो सकता है अगर आप किसी भी कारणों से रह गए हैं जुलाई अगस्त में एडमिशन लेने में तो, ठीक है साथियों। यानी CUET UG और CUET PG का जो स्कोर जुलाई अगस्त के पहले एडमिशन साइकिल के लिए मान्य था, उसी स्कोर के आधार पर जनवरी फरवरी में भी एडमिशन दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज था, सोचा आपको दे दूं। आगे देखते हैं, तो एक न्यूज और है इसमें छोटा सा, कि आप सभी को पता होगा स्टूडेंट्स कि CBSE जो है 2025-26 से साल में दो बार बोर्ड एग्जाम लेने जा रही है, ये बात पता होगा और इसका पूरा कंफर्मेशन हो चुका है और CBSE इस पर मीटिंग भी कर रही है। तो जब बोर्ड के एग्जाम दो बार होंगे तो जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी एडमिशन दो बार होने चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए UGC ने ये फैसला किया है कि जो आपके एग्जाम्स होंगे एक ही बार होगा CUET का, लेकिन उसके स्कोर जो होंगे वो दो बार वैलिड होंगे।
और जब बोर्ड के एग्जाम दोबारा होंगे तो उसी को देखते हुए जो है यूजीसी के अंदर भी जो एडमिशन होंगे अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में वो भी दोबारा होंगे, और उसके लिए आपको सीयूटी का जो एग्जाम है वो एक ही बार देना पड़ेगा, उसके स्कोर होंगे वो दो बार वैलिड होंगे, एक बार जुलाई अगस्त में लेंगे एडमिशन, और अगर आप रह गए तो आप जनवरी फरवरी में भी आप एडमिशन ले पाएंगे उसी स्कोर के आधार पर, ठीक है। तो ये था आपके लिए एक बेहतरीन न्यूज़। अगर आपने वीडियो अब तक पूरा देखा है तो आप सभी का दिल से शुक्रिया, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे नए वीडियो का मिलता रहे नोटिफिकेशन। आपसे मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, थैंक यू।